बालू जी तरफ गांव रे हिसाब बालू जी रे दारे बिल्कुल उम्मीद यही जता रहा मैं कि भाई ओबीसी वर्ग ने साथ मिलनो था साहब सीपी साहब रो काम हार्ड एंड फास्ट बनी स्त्रीगो बालू जी रो काम हार्ड एंड फास्ट तो टिकट ने मेली 101% जीती बालू तो जीती किसान रो बेटो है अनन ध्यान है किसान कणी थिर का ऊपर आई सके। विधानसभा चुनाव को लेकर चौतरफा बातें हैं, माहौल हैं, सभाएं हैं, दावेदारियां हो रही हैं और शक्ति प्रदर्शन भी हो रहा है। अभी मैं हूं पिपड़ा में कांग्रेस के दावेदार बालूलाल जी गुजर की ओर से एक बड़ी सभा आयोजित की जा रही है। लोगों को यहां बुलाया गया है और महाप्रसादी का आयोजन हुआ है। कई नाम बाप गोपीलाल अटर हो क्या क्रोधा कई आज अटे आज गाँव गाँव रे तरफ आया हूँ बालू जी तरफ कांग्रेस कर, कही, कही कर रहा बालू जी बुलाया अपने गांव रे तरफ जो मैं भी आया ये उम्मीदवार में कही है ये उम्मीदवार चुनाव वास्ते होगम जन कांग्रेस पार्टी में कई कई लागी रो अब गए जनता कठिन है बालू जी तरफ गांव रे हिसाब बालू जी रे दारे हां अच्छा हां अब के पूरी विधानसभा में कटे हवा चल रही विधानसभा में नहीं बालू जी रे हिसाब गांव में आना हंडिया आप वो तो चाली रहा पर आपने अंदर बालू जी में चुनाव लड़ी तो शहर भी है गांव भी है नरही है तो सब जगह कई माहौल है यूं कई चाहिए सब जगह तो आप आज दो महीना बाकी है जो कई कहता है अच्छा आगे हवा कई नाम है आप रो शंकरलाल जी कटे बिराजो सागरोदा सागरोदा तो कई कई गिर ये जो गिरा सही है हाँ सही है सही है चुनाव में अब के कई लागी रो बीजेपी अत्री दीप्ति अटे लगातार बीजेपी रा चुनाव जीतता है बड़े हाल तो अभी मीटिंग का चल रही टिकट मिलेगा तो फिर ज्यादा पावर करना करना मिली अबे वो तो कितना उम्मीदवार है 16 में एक आई जो जी कई कई लागी रो आप अबे हाल तो अबे पत्तो पड़ी हाल तो फेल मीटिंग रही बालू जी आई सके आपने आप तो बालू जी गाम राज हाँ। तो यूं यूं नहीं लाग रही तो नया उम्मीदवार है बानू आया लगा हाँ तो वो तो अबे नया तो काबिल है जो देखो भगवान साथ दे तो आई जाएगा नाम क्या आप चंद्रेश कुमार कटो आया सागोदा से अटे कई प्रोग्राम कई आज आज बालू जी रे समर्थन में आया हूँ पूरी पंचायत में बसा लगी और हमारे पंचायत के उम्मीदवार हैं हमारे गांव के उम्मीदवार हैं और इनको टिकट मिलने की संभावना है इसलिए हम इनके साथ में पार्टी टिकट की संभावना बन रही है ओबीसी में है ये और आगे सचिन पायलट का इनका थोड़ा ये मुख्य रूप से आप देखिए गांवों की बातें हैं ग्रामीणों की बातें हैं कि कहीं कहीं बदलाव की बातें की जा रही हैं चुनाव की बातें हैं चुनाव को लेकर कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं कुछ ग्रामीणों से भी बातचीत करते हैं वो क्या सोचते हैं मैडम यहाँ पे 20 साल से मार्बल इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया अब इसको अल्टरनेट ऑप्शन देना चाहिए अगर यहाँ से मटेरियल गुजरात जा रहा है और वहाँ पाउडर का मोरबी टाइल्स बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड जा रही है तो यहाँ क्यों नहीं बन सकती वो चीज़ इसके लिए अभी सेंट्रल केंद्र सरकार ने गैस पाइपलाइन डाल दी है जो सांसद है दिया कुमारी जी वो प्रयास कर रहे हैं कि यहीं पे पूरा प्लांट डले कब कर रही है आज भी सिटी में और गैस क्लैंक जो पाइपलाइन भिलवाड़ा से यहाँ पाइपलाइन डालने का काम प्रोसेस में चल रहा है वो यूँ कहना 10 साल से अभी तक नहीं हुआ 10 साल से मोदी जी भी थे दिव्या कुमारी जी भी थी और MLA उनके थे सांसद उनके थे प्रधानमंत्री उनका था तो अभी तक क्यों नहीं हुआ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं को गहलोत सरकार धरातल पर नहीं उतरने दे रहे हैं उनका कोई इंटरफेयर ही नहीं होता है भारत सरकार का राज्य सरकार से कोई इंटरफेरेंस नहीं है उनका रोड नेशनल हाईवे अलग है स्टेट हाईवे अलग है नेशनल हाईवे की परमिशन नेशनल हाईवे देता है गैस लाइन की जो बात हो रही तो वो दोनों सरकारें मिलके काम करती है वो कहती है हम पैसा दे दिया लेकिन येलो सरकार नहीं दे रही है नहीं 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 ऐसा नहीं होता है केंद्र सरकार का योजना केंद्र सरकार ही उसको फंडिंग करती है परमिशन नहीं चाहिए राज्य सरकार के गैस की पाइपलाइन के लिए अभी तक 20 साल से किरण जी थी यहाँ पे और
दस साल सरकार भी वसुंधरा राजे भी थी तो क्या कर लिया, अब क्या कर लेंगे? बिल्कुल, ये मुख्य रूप से बड़ी चीज है। आपने बताया है कि राजसमंद विधानसभा में इंडस्ट्रीज को लेकर भी कोई बड़ा काम नहीं हो पाया। ये टीस राजसमंद वासियों को, राजसमंद विधानसभा के लोगों को है, और इसके लेकर खास तौर से आपने राजसमंद सांसद और राजसमंद के मौजूदा जो विधायक हैं बीजेपी की, उसके प्रति भी असंतोष व्यक्त किया है। आज यह सभा भी है, बालू जी गुजर राखी है, तो कई लाग रहे हो अब क्या ओबीसी वर्ग ने चांस मिल पाई? बिल्कुल, उम्मीद तो यही जता रहा मैं कि भाई ओबीसी वर्ग ने चांस मिलना चाहे ताकि ओबीसी वर्ग भी आगे बढ़ सके और संगठन में मजबूती कई सरकार में भागीदारी निभा सके। वही साहब पढ़नी साहब कोशिश तो पूरी यूँ कहवे कि राजसमंद भाजपा रो गढ़ है, कांग्रेस रे बात रे मुश्किल है, ये बीजेपी वाला भी क्या कर गड़बड़ कुछ नहीं। आप क्यों माँ यूँ कह रहा साहब, सीपी साहब रो काम हार्ड एंड फास्ट, बनी तरीका बालू जी रो काम हार्ड एंड फास्ट, तो टिकट इन्हें मेली 101% जीती बालू जी, तो पार्टी टिकट मौको दे, मौको देनी चाहे नहीं पार्टी, वो तो पार्टी पे बात है, बड़ा बड़ा नेता पे बात है। अगर मौको मिलो बालू जी तो 101% जीती। दूसरी बात यह कि जेब में भले जनता की सेवा कर दी, जट ऐसी आएगी स्थिति है तो जेब रहा पैसे लगे जनता की सेवा की। यूँ जैसे अटे दूसरा 15 दावेदार और है वे कह रहे हैं अटे लगातार काम कर रहा नहीं है, जैसे औरंगाबाद रहता ना आते ही नहीं, तो यो विरोध तो नहीं भी कांग्रेस? नहीं नहीं, यो विरोध कहीं नहीं है साहब, वो तो दावेदारी तो हर इंसान ने मतलब यूँ सपोर्ट सबरों मिल पाई। बिल्कुल 100% मेल सब दावेदारों मेल ही नहीं साहब, देखिए एक बार जने टिकट दी सब यूज कर रहा ला रहे वहाँ। और बालू जी तो कह रहा हूँ सबरे साथ में रहे हूँ, पर बालू जी साथ में दूसरा रही पाएंगे? बिल्कुल जो आज वैसे एक दूसरा ओबीसी दावेदार शहर रहा अशोक जी टांग भी है, एक ही मंच पे है, बिल्कुल सब सारे कंप्लीट, और मतलब एकजुट लाग रही, एकजुट कांग्रेस का बेटा ये किसान री भावना समझ सके कि किसान कणी तरीकों कमाई कर सके। जैसे नहर लिया वे तो एक किसान दा घर में कम कम सालों 50,000 फायदो वे एक किसान दा घर में, कारण अगर दो बीघा रसको वाइन वैसे लागरी भावे या बालू जी भावना समझ सके तो अब अणिस तरीका मतलब अणिस क्षेत्र में किसान खतरा तो फायदो खतरा करोड़ों पे पहुंची या बालू जी जानी रहा तो अब ओबीसी वर्ग में मांग रहा तो आपने लाग रही हो कि चांस अभी पार्टी नहीं सके? 101% ओबीसी वर्ग ने टिकट देना चाहे मैं यूं कह रहा हूँ, और तो इस जीत ही किसान को बेटो है, ध्यान है किसान कहीं तरीका ऊपर आई सके। धन्यवाद मुख्य रूप में, आपने देखा कि ये पिपरड़ा में बड़ी सभा हुई है, यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं मुख्य रूप से इस सभा के दौरान आज ग्रामीणों ने भी अलग अलग दावे किए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता अलग दावे कर रहे हैं, कांग्रेस के पदाधिकारियों की दावा है कि इस बार राजसमंद विधानसभा में बदलाव होगा। ये दावा कार्यकर्ताओं का दावा, पदाधिकारियों का दावा धरातल पर कितना सच साबित होता है ये तो आने वाला चुनाव बताएगा, जनता का वोट बताएगा कि वोट किसके पक्ष में पड़ता है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।